गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको नवम पाठ सप्त भगिनः के वर्मिनिंग्स कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, आपने हिंदी ट्रांसलेट किया होगा, उम्मीद करती हूँ सभी ने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा, समझ में भी आया होगा। तो देखिए, वर्मिनिंग्स इसके कि हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड मीनिंग्स बहुत आवश्यक है कि शब्दार्थ। बाडम मीन्स बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना है, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विशंति 24, पंचविशंति 25, भगिनी बहन, अष्टाविशंति 28, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य अतिरिक्त, भवतु अच्छा, समवाय समूह, पतितः प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक प्रतीक प्लस आत्मक सांकेतिक यानी कि संकेत में, कदाचित संभवतः साम्याद समानता के कारण, उक्त उपाधिना कही गई उपाधि से के कारण, नामिनी नाम में संशय संदेह, अपरतः दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाण ही क्षेत्रफल से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टिया गुण एवं गौरव की दृष्टि से, वृत्रानी बड़े, स्वाधीन स्वतंत्र, स्वायत्तिकृता अपने अधीन किए गए, महत्वादिनी महत्व को रखने वाली महत्वपूर्ण, श्रुत मधुर शब्द सुनने में मधुर शब्द प्रवृत्ति भी आदि से, बेहतम विधि पूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमदानी बहुत समृद्ध, भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में, पुष्पस्तवक सदृशानी पुष्प के गुच्छे के समान, हृदय प्रिय रम्या रमणीय, सावहिता मनसा सावधान मन से, ऊर्जस्विनी ऊर्जा से युक्त, पर्व परंपरा पराभि पर्वों की परंपरा से, परिपूर्णता पूर्ण भरे पूरे, सब अभिनंदनीय स्वागत योग्य, समीचीन बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी क्रियाओं एवं कलाओं से निष्ण पारंगत, वंश वृक्ष निर्मिता नाम बांस के वृक्षों से निर्मित, अव्याप्त प्राप्त ब्रह्म आकर्षक बहु आकर्षक यानी कि अत्यंत आकर्षक। तो बच्चों, ये आपके बर्मिनी से शब्दार्थ हैं, इनको नोटबुक में लिखना है। एक्सरसाइज देखिए, प्रत्येक बच्चे को उच्चारण करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारणम करो यानी कि प्रोनाउंसिएशन करनी है, उच्चारण करना है। सुप्रभातम चतुर्विशंति सप्त भगिनः गुण गौरव दृष्ट्या, गुण गौरव दृष्ट्या महत्वादिनी सप्ततमी प्राकृतिक संपत्ति पुष्पक सदृशानी पर्व परंपरा भी वंश वृक्ष निर्मिता नाम वंश उद्योगयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। ठीक है बच्चों,
ये आप सभी को, ये आपको शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। ये ध्यान से करना है और जितना भी पढ़ाया है उसको भी लर्न करना है। देखो बच्चों, योग्यता विस्तार आपकी बुक में दे रखा है, योग्यता विस्तार इसको भी आप पढ़ना है। देखिए बच्चों, अद्वयम मत्रम मत्र मात्रयम च एव न त्रियुक्त अयुक्तम तथा द्वयम, यह द्वयम सप्त राज्य समूहम भगिनी सप्तकम मतम, यह राज्यों के नाम को याद रखने का एक सरल तरीका है। इसका अर्थ है आ से आरंभ होने वाले दो और मा से आरंभ होने वाले तीन, ना से नागालैंड और त्री से त्रिपुरा बोध होता है। इसी तरह 18 पुराणों के नाम याद रखने के लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है। मा द्वयम भद्वयम च एव ब्रत्रयम वचिष्ठम आना पलिंग कुशकानी पुराणानी प्रक्षते। सप्त भगिनी इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया ने आकाशवाणी के साथ भेंट वार्ता के क्रम में किया। इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, यथा महाभारत, रामायण, पुराण आदि। इन राज्यों की राजधानी क्रमशः इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम एजोल, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, बिहू, मणिपुर नानाक्रम आदि इस प्रदेश के मुख्य नृत्य हैं। नगा, मिजो, खासी, असमी, बांग्ला, पदम, बोडो, गारो, जयंतिया आदि यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। सप्त संख्या इन कुछ अन्य प्रचलित नाम हैं। सप्त सिंधु, सप्त भगिनी के समान सप्त सिंधु भी हैं। ये सप्त सिंधु हैं सिंधु, सुतुद्री यानी कि सतलज, इरावती, इराबदी, वितस्ता, झीलम, विपासा, ब्यास, अशक्नि चिनाब और सरस्वती। सप्त पर्वत महेंद्र, मल्य, हिमान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री, श्रीशैल। सप्तऋषि मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रिय, पुलह, वशिष्ठ। कृष्णनाथ की पुस्तक अरुणाचल यात्रा भाग देवी प्रकाशन विज्ञा पिकारे 2002 पटनी है। पाठ में स्थित अद्वय वाली पहेलियों में सातों राज्य के नाम को समझे, इसी प्रकार 18 पुराणों के नाम को भी प्रदत्त श्लोक द्वारा समझा हुआ अध्यापक से लिखो। तो बच्चों, ये आपको योग्यता विस्तार भी पढ़ना है, क्योंकि यह नॉलेज की, ज्ञान बढ़ाने की चीज है, ठीक है। इनको आपको अच्छे तरह से रीड करना है और शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। बच्चों, शब्दार्थ लर्न करा करो, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं लेकिन फिर भी हम कराते हैं, क्योंकि विदाउट वर्ड मीनिंग्स के आप हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो प्रत्येक बच्चे को हिंदी ट्रांसलेट से पहले वर्ड मीनिंग्स लर्न करने आवश्यक लर्न करना है, नीटली लिखना भी है, ठीक है। बच्चों, जितना भी पढ़ाया है आपको अच्छे तरह से लर्न करोगे, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग आजकल बहुत लापरवाही कर रहे हो, क्योंकि
मालूम पड़ता है कि व्यू भी वीडियो की कम आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग ठीक नहीं रहे हो। सभी सब्जेक्ट के आप अच्छे तरह से देखा करो, प्रॉपरली पढ़ा करो, यही आपके पढ़ने का एक साधन है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।